तो वेलकम बैक, फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो ये वीडियो बनाने में टोटल 4 से 5 महीने का समय लगा है। तो यह जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये पूरी तरह से धान की खेती कैसे की जाती है गांव में, हमारे पूर्वांचल के एरिया में, तो यही आपको हम दिखाने वाले हैं। तो धान की जो खेती है प्रॉपर, उसको हम कैसे करते हैं तो आपको दिखाएंगे बारी बारी करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है धान का बीज। तो एक दिन पहले हम इसको भिगो लेते हैं। तो भिगोने के बाद कुछ इस तरह अंकुरित हो जाता है। और बीज का छिड़काव करने से पहले हम खेत के एक कोने में उसकी जुताई कर उसमें पानी ढेल देते हैं। देखो पानी इतना भर जाता है। फिर इसके बाद हम बारी बारी से करके इसमें बीज का छिड़काव करते हैं। जब ये बीज कुछ बड़ा हो जाता है 1 महीने बाद, फिर इसको उखाड़ कर पूरे खेत में पानी ढेल कर उसको लगा दिया जाता है। तो आपको पूरा स्टेप्स हम दिखाने वाले हैं कैसे किया जाता है धान की खेती। और वो है हमारे बड़े भाई, वो पूरे खेत में बीज का छिड़काव करेंगे। आपको दिखाते हैं किस तरह छिड़काव किया जाता है बीज का। छिड़काव के बाद देखिए बीज पानी में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। ये देखिए आपको छोटे छोटे जो ये हैं, ये धान के बीज हैं। देखिए 2 दिन बाद बीज कुछ इतना बड़ा हो गया है। अभी हम इसकी सिंचाई करने के लिए आए हैं। अभी वहाँ से मशीन से हमने पाइप लगा दिया है, अब इसकी सिंचाई हो रही है। देखिए खेत में पानी पूरी तरह भर चुका है। 5 दिन के बाद बीज कुछ इतना बड़ा हो गया है, ये देखिए। एक महीने बाद बीज कुछ इतना बड़ा हो गया है और ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा हरा भरा भी है। इसकी जो सुंदरता है वो हम लोग पास से ही देख सकते हैं कितना सुंदर है। अभी इसको उखाड़ने का कार्य चालू है। ये देखिए सामने इसको उखाड़ा जा रहा है और इसको एक छोटी सी अटिया द्वारा बना दिया जाता है। फिर इसको हम लोग साइकिल से ढोकर खेत में ले जाते हैं। ये देखिए बोरी में बंधा हुआ है। अब इसको लाद कर हम साइकिल से ले जाने वाले हैं और खेत में उतार के पूरा खेत में छीट देते हैं। देखिए जहाँ से हम लोग ने बीज उखाड़ लिया है कितना खाली खाली दिख रहा है। अब यहाँ से उखाड़ कर हम चलने वाले दूसरे खेत में, जहाँ पे हम लोग इसका रोपण करने वाले हैं। अभी देखिए ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रही है और बहुत ही तेज आवाज है इसका ट्रैक्टर का। आपको पास से दिखाते हैं ट्रैक्टर। ये है बियर, इसको हम पूरे खेत में छींटने वाले हैं। देखिए जुताई करने के बाद खेत जो है कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब एक हाथ से फोन को पकड़कर पूरे खेत में इस धान के बीज को छींटने वाले हैं। ये देखिए अब इसको एक एक करके लगाया जाएगा। अब जो मम्मी लोग हैं वो आके लगाएंगे इसको। दिनों के बाद ये पूरा एरिया आप देखेंगे धान की खेती से पूरी तरह भर जाएगा। तो आपको जब यहाँ पे धान लग जाएगा तब उसका हम आपको वीडियो दिखाएंगे। धान लगने के बाद हम लोग इसमें छिड़काव करते हैं क्योंकि दोबारा इसमें घास न जामने पाए। अब उसका छिड़काव कर रहे हैं हम। We'll be right back.
चार महीने बाद धान कुछ इतना बड़ा हो गया है। अब ये पक चुका है और इसकी स्थिति आपको दिखा रहे हैं। अब ये काटने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसकी कटाई की जाएगी अच्छे तरीके से। फिर कटाई करने के बाद इसे पीटा जाएगा, तब ये धान पूरी तरह देखिए तैयार हो चुका है। ये देखिए लगभग सभी जगह धान तैयार हो चुके हैं। हम लोग जो कि पूर्वांचल से हैं, तो इस बार जो पूर्वांचल के एरिया में बारिश बहुत ही कम हुआ है, तो अभी देख सकते हैं धान ये पूरी तरह मशीन से भर के उगाया गया है धान, और इसमें धान इस साल बहुत ही बढ़िया नहीं हुआ है। और इस बार पानी तो बिल्कुल नहीं बरसा। इस बार हमारे पूर्वांचल का जो एरिया है यहाँ पर लगभग सभी जगह सूखा पड़ा। ये देख सकते हैं पूरे जो सेवार है उसमें पूरी धान अब कटाई कहीं कहीं चालू हो चुकी है। यहाँ पे देखिए कटाई चालू है। अभी हम साइकिल लेकर नदी पे जा रहे हैं, तो आपको नदी का व्यू दिखाते हैं। ये है हमारे गांव की नदी बसुई नदी है, और कल यहाँ पे बहुत मूर्ति विसर्जन आपको दिखा रहे हैं। अभी ये देखिए कुछ इतना धान काट चुके हैं, अभी भी काट के जा रहे हैं। 12 बज चुका है और ये बगल में देखिए हमारे काट रहा है। अभी इतना कट चुका है, अब भी काटना बहुत बाकी है। देखिए अभी धान की कटाई कंप्लीट हो चुकी है और उसको हम बांध लिए हैं, और ये जो बधा हुआ दिख रहा है आपको एक लाइन से, ये इसको हम बोझ कहते हैं। इसको ले चलते हैं घर और इसको हम पीट देंगे, और अभी आगे बांधने का काम जारी है। तो ये देखिए हमारे चारों तरफ यहाँ पे कटाई हो चुकी है। अब इसको ले जाएंगे घर और इसको हम अच्छे से करेंगे पिटाई, तो आपको आगे दिखाते हैं। ये है धान पीटने की मशीन और ये चलता है। वहाँ पे सामने बोझ रखा हुआ है और ये धान पीट के कुछ इतना धान और पीटा गया है। और ये बिजली से चलता है और सामने मोटर भी है, इससे पिटाई होती है। ये देखिए पिटाई हो रही है, इतना बाकी है। ओसाने के बाद वो इसको बोरी में बांध के रख देंगे। तो यही पूरी प्रक्रिया होती है धान की खेती करने में। तो आपको यह वीडियो देखने में कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और किसी नई फसल पर हम बनाएंगे वीडियो।